और ये आपने क्वेश्चन कल कहाँ तक कर लिए बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्वेश्चन करेगा कितने क्वेश्चन करे श्रेयांश आपने? क्या सर? कितने क्वेश्चन कर लिए टाइम पॉइंट में? सर मैंने नहीं करे। करे नहीं क्या? नो सर। है बेटा? नहीं सर। क्यों? और नहीं करा कल? और गुड इवनिंग सर। और ये आपने बोलेंगे नहीं तो क्या फायदा? क्लास बंद कर देते हैं क्लास में, फिर नहीं आवाज आप रिप्लाई करेंगे आप लोग तो मुझे। और कितने क्वेश्चन लगाए आपने? यस सर, सर 4 तक करे थे बस। चलिए ट्राई करिए, आगे कंटिन्यू करिए। रिया आपने कितने क्वेश्चन करे थे कल? सर 6 तक हो गए थे। अच्छा गुड। जुनैद आयुष कल क्यों नहीं आए थे क्लास में? सर कल आ नहीं पाए थे सर, फोन डाउन था। चलो 13 वाला क्वेश्चन कराओ, देखो पढ़ो क्वेश्चन। Prove that opposite side of a quadrilateral circle is called a circle. तो circle हमारे पास किसी point पर एक tangent ली चली गई ऐसी, इसकी एक tangent इधर चली गई ऐसी, एक tangent इधर चली गई, एक tangent इधर चली गई। A, B, C, D ये क्वाड्रेटर हो गया हमारे पास, दाएं टच कर रहे हैं P, Q, R और S। ये हमारे पास जो है इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए। ये बीच में सर्किल का सेंटर एरिया आपने तो इससे इसको ज्वाइन करा, इधर ज्वाइन करा, इधर ज्वाइन करा, इधर ज्वाइन करा। ये एंगल 90 डिग्री है, आपको पता ही है कि इसमें अब एक आई ने वर्टेक्स से ज्वाइन करी आपने ऐसे ही,
और रीडर के ऊपर टेक्स्ट लाइन ज्वाइन कर ली और ये ज्वाइन कर ली। तो गिवन ए सर्किल विद सेंटर एट ओ एंड टेंजेंट्स ए बी बी सी ए डी सी डी विच टच द सर्किल एट पी क्यू एस एंड आर रेस्पेक्टिवली। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी टू प्रूव टू क्या करना है आपको कह रहा है टू बेटा पोजिशन साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ये प्रूव करना है आपको। ठीक है भाई बात समझ में आ गई? यस सर। अब प्रूव करते हैं इसका नाम देने शुरू करते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। इस तरह से नाम डाल दिए इसके क्योंकि इन्हीं सब की हमें जरूरत पड़ेगी। बोलो नाउ इन ट्राइंगल मेंबर कैसे नंबर है एक बार बना दिया ये बजाय क्यों नहीं ट्राइंगल OAS, OAP and OAS, AP is equal to PS होगा, AP is equal to PS, tangent from external point, ठीक है भाई, OP is equal to OS, each radii और OA equal to OA common this reply triangle OAP similar है triangle और सारे conjugate हैं OS OAS के तो by CPCT अगर बेटा triangle conjugate हमारे पास congruence है तो इसके corresponding angle equal होंगे यानी कि angle 1 equal होगा angle 8 के so by CPCT angle 1 equal to angle 8 बताओ भाई लेते हैं तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इन दोनों में लेते हैं तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 और अगर इन दोनों में लेते हैं तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है भाई सॉरी एंगल 6 इज इक्वल टू 7 पर 7 इज इक्वल टू 8 नहीं 6 इज इक्वल टू 7 बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा अब एक बात तो ये क्लियर है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी एंगल बन रहे हैं सर्कल के अंदर इन सब का सम कितना होगा भाई? और कितना होगा बताओ ठीक है ना। अब इसको क्लियर बनाएंगे देखो बेटा 1 किसके इक्वल है
एट के, यानी एट को नाइन के बाद बोल सकते हैं, यानी कि एंगल वन और एट को बोल दिया आपने एंगल वन। टू किसके इक्वल है? थ्री के, तो एंगल टू, थ्री को बोल दिया एंगल टू। फोर किसके इक्वल है? फाइव के, तो एंगल फोर प्लस एंगल फोर। और सिक्स इक्वल है सेवन के, तो एंगल सिक्स प्लस एंगल सिक्स इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल वन भी दो बार आ गया, एंगल टू भी दो बार आ गया, एंगल फोर भी दो बार आ गया, एंगल सिक्स भी दो बार आ गया। तो टू टाइम्स ऑफ एंगल वन टू फोर प्लस सिक्स इक्वल टू 360 डिग्री। दूसरे डिवाइड कर देंगे, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है भाई, देखो वन टू फोर और सिक्स का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे इससे मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो अब देखो अपोजिट एंगल, यानी देखो ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी का मतलब 1 और 2 और सी ओ डी का मतलब बेटा 5 और 6, तो हम सिर्फ 1 और 2 और 5 और 6 को कंसीडर करेंगे। यानी कि हमने जो 4 को 5 लिखा है, तो 4 को 5 में लिख के 5 को 4 लिखते हैं। मींस यहां पर एक काम करते हैं, मतलब चेंज करेंगे हमारा ये इस वाले स्टेप को, यहां पे हम चेंज करो बेटा। जरा हमें ए ओ बी में 1 और 2 की जरूरत है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है बेटा। अब एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, 3 को हम लिख दिया 2 बेटा। और 4 किसके इक्वल है? 5 के, ठीक है 5 लिख दिया प्लस 5 ऐसे ही। और 6 के 6 6 3 किसके इक्वल है? 6 की जरूरत नहीं हमें, 6 को हमने ऐसे लिख दिया। 7 किसके इक्वल है? 7 को भी हमने 6 और 7 इक्वल है हमारे पास, तो हमने 7 को भी 6 लिख दिया, 8 बन गया इक्वल। अब समझ में आ गई? ये एंगल 1 2 एंगल 1 एंगल 2 और 5 और 6 को तीन के लिए बताया, तो हमने सारे एंगल 1 के 2 में 5 और 6 में कन्वर्ट कर लिए। तो ये बन गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 360 डिग्री हो गया। अब देखो सब में 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है सर। अब देखो यस सर, एंगल 1 2 को कंबाइन करके बोल सकते हैं आप ए ओ बी, इसे आपने बोल दिया ए ओ बी। और 5 को किसको कंबाइन करके आपने बोल दिया सी ओ डी, ये बन गया प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया प्रूफ नहीं होता बताओ? हो गया ए ओ बी प्लस सी ओ डी 180 डिग्री, ठीक है। और इसके लिए लिखेंगे सिमिलरली, दूसरे के लिए लिखेंगे यहाँ लिख रहा हूँ सिमिलरली, सिमिलरली एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? यस सर। कॉपी कर लीजिए। यस सर, यस सर, करें कॉपी करिए।
नोट कर लिया भाई? यस सर। यस सर। और बता देंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉन टू सर्कल विद राइट सर्कल ऑफ रेडियस 4। ये वो सर्कल हमारे पास ऐसे ही आपने ट्राइंगल एबीसी बनाया है। सेंटर लिया आपने ऐसे यहां से ओ से डी तक, ये 6 है और ये 8 है। साइड एबी और एसी की लेंथ निकाल लिया हमने। अब लाइन फाइंड करनी है साइड एबी और एसी की। समझ लिए क्वेश्चन? ये सब्जेक्ट कैसे ये बताओ। यस सर समझ गए। यस सर। यस सर। सर्किल की रेडियस दे रखी है आपको उन्होंने 4। ये 4 है हमारे पास। अपन लोगों ने कंस्ट्रक्शन करा इससे इससे और इसको ज्वाइन कर दिया भाई हमने। अब देखो ध्यान से, टेंजेंट फ्रॉम मान लो ये पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दिया कुछ ए बी सी डी ई और एफ करके नाम दे दिया आपने। ये 6 है ये 8 है, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगी। x यहां से आता है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये 6 है तो ये भी 6 होगी। यस सर। ठीक है ना सर? यस सर। तो सिंस b एंड c आर द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल दैट इज, ये जो bd है ये ef के इक्वल होगा 6 सेंटीमीटर और ये सी डी है ये सी एफ के इक्वल होगा 8 सेंटीमीटर। हमने अब थोड़ी देर के लिए ए ई को नाम दे दिया x, तो ए ई x है तो ए ई और ए एफ इक्वल हो जाएंगे जाते हैं, ये और ये दोनों x हो जाएंगे। बोलो भाई होंगे या नहीं होंगे? अब हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस ए बी की लेंथ। ए बी की लेंथ क्या होगी यहां से यहां तक, x प्लस 6। सर इक्वल क्यों होंगे? अरे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ये और ये। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
और AC की लेंथ हो जाएगी x plus 8 यहाँ से यहाँ तक, यानी सीधे सीधा आंसर मतलब है कि अगर x की वैल्यू आ जाएगी तभी हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो हम सारा फोकस अब x निकालने पे करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने तीनों साइड का सब निकाला, ab plus bc plus ac करा। तो क्या हो जाएगा तीनों साइड का, बताओ 8 और 6, 8 plus 6 यहां से यहां तक, x plus 6 यहां से यहां तक, x plus 8। और ट्रायंगल के तीनों साइड को हम बोलते हैं पैरामीटर 2x। ये हो गया 8 और 8 16 और 6 से 6 12, 28 plus 2x हो गया। बोलो भाई, उसे डिवाइड कर देंगे तो 14 plus x आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो सर। नो सर। हमने क्या सर मेथड लगाया, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल रहे हैं। हम पहले पूरे ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, फिर इसी ट्रायंगल के लिए प्रोब निकालेंगे। तो कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का होगा जीरो फार्मूला से s s - a s - b और s - c होगा या नहीं होगा बताओ? यस सर। अब s क्या है हमारे पास, 14 plus x है, 14 plus x। a क्या होता है, a के सामने a आता है, तो 8 और 6 कितना हो गया 14। b क्या होता है, b के सामने b आता है, तो b ये पूरा हो गया कितना, x plus a। और फिर ये s 14 plus x। c क्या होता है, c c के सामने c आ गया, x plus 6। ये हो गया हमारे पास 14 plus x, ये कैंसिल हो गया, ये x आ गया, x से कट गया, 14 minus 8 6 और x से सामने कैंसिल आउट हो गया, 14 और 6 20, 120x into 14 plus x। क्यों भाई बताओ, ये आएगा कि सर आएगा? सर वो 6 तो माइनस होगा ना, वहां पर इनटू 8 आएगा, 14 वाले 68 आएगा। यस, हमारा गुस्सा सही है मेरे। हां बस, कोई और गलती तो नहीं है, 48x into 14 plus x ही आएगा बेटा। यस सर। अब देखो, अब हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, BOC का एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या है BC और हाइट हमारे पास है OD, तो BC हमारे पास 14 और OD हमारे पास रेडियस 4, तो ये आ गया 28। अब हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर से एक बार AOC, यहां से लाते हैं परपेंडिकुलर आपने ऐसे, अब क्या आएगा हाफ बेस, बेस AC, हाइट है OF, AC क्या है हमारे पास यहां से यहां तक x plus 8 और OF क्या हमारे पास रेडियस 4, 2 into 2, 2 into x plus 8। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकाला आपने, तो हाफ बेस, बेस क्या है AB, हाइट क्या है OE, AB हमारे पास x plus 6 और OE हमारे पास रेडियस 4, 2 × 4, तो 2 into x plus 6 आ गया। ये बोलो भाई, समझ आ गई बात नहीं आ गई? यस सर। जब बहुत बहुत जल्दी से कॉपी करिएगा इतना बार, बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड से कॉपी करना।
नोट कर लिया एक लाइन होती है ये बस एक एक बार भी अगर हो गया तो मेरा काम बन जाएगा सर हो गया अब एक बात देखो ये ध्यान से कि इन तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया मिलाने क्या बन जाएगा सेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी किसका बन जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये नहीं बताओ यस सर बनेगा या नहीं बनेगा ठीक अब बीओसी का एरिया क्या निकाला है आपने 28 एओसी का क्या निकाला है 2 * x + 8 AOB का क्या निकाला है 2 into x plus 6 और ABC का कितना है हमारे पास 48x into 40 plus x ठीक है भाई ये हो गया 28 plus 2x plus 16 plus 2x plus 12 तो 48x into x plus 14 हो गया ये तो 4x plus 16 12 28 56 हो गया ये स्क्वायरिंग करते हैं क्या करें ये थोड़ी सी मेहनत करें एक काम करते हैं 48 को 3 से 16 3 से 4 जा तो 16 बाहर आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा ऐसे हो जाएगा ये 16 3 या 48 बता सारे 3 आएगा क्यों भाई यस सर अभी 4 से डिवाइड हो गई पूरी लाइन अभी 4 से डिवाइड हो रही है 4 बन जा 4 40 जा 4 बन जा 3x into x plus 40 अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं और स्क्वायरिंग x plus 40 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x into x plus 40 दैट स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 42x तो 2x स्क्वायर माइनस 42 minus 28 minus के 14 है plus के 14 है और plus minus के 196 अब कर लो factor wise की जैसे भी करने मेहनत करके वो हमारा आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये 2 से डिवाइड हो रहा है x square plus 7x minus 298 या 98 के factor 7 यानी 14 चलें जा 14x minus 7x x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस साइन को 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 x प्लस 14 दोनों में कॉमन आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई माइनस 14 और x की वैल्यू आ गई 7 नेगेटिव को कंसीडर कर नहीं सकते तो x की वैल्यू क्या लेके चलेंगे हम लोग 7 है ना तो x और 7 हम लोग रख देंगे कहां पर उसमें साइड में तो दिस इज लाइक जैसा मैं ac निकाला था ac क्या हो जाएगा x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 यानी 15 सेंटीमीटर आंसर हो गया और हमको ए भी निकालना था ए भी क्या हो गया हमारे पास x प्लस 6 x क्या है 7 प्लस 6 यानी 13 सेंटीमीटर आंसर हो गया ठीक है भाई रिया गौरी समझ में आ गया यस सर यस सर करें कॉपी करें यानी पंडित जी कहा क्या सर पंडित जी क्यों नहीं आए पता नहीं सर क्यों नहीं आए
मीटिंग ओवर होने वाली है, तीन चार मिनट बाद निकल आएगा या ना भी आया हो सकता है, मैं मैसेज डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, क्वेश्चन ट्राई करने आप लोगों का मांगे सही ना, जो भी रहेगा कट आउट बता दीजिएगा मेरे को। फिर भी मैं पांच छह क्वेश्चन सर्विस और कराऊंगा अपने पास से एक्स्ट्रा।